गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब, कहिए जनाब क्या हाल चाल है, फिट हैं, एनर्जेटिक हैं, क्या बात है क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान में राइजिंग पाकिस्तान को फातिमा मैं और हमारी टीम क्या कहेंगे जनाब। वेलकम 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 जी, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, और उम्मीद करते हैं कि आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा और खूबसूरत गुजरेगा। भाई कल की क्रिकेट पे तो क्या ही बात की जाए कि एक वन साइडेड मैच की मिसाल कायम हो गई। कल जो भारत ने श्रीलंका को हराया और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 55 पे पूरी टीम आउट, चलो भी जाओ घर जाओ, आज जरा जल्दी जाके जरा नाश्ता वाश्ता, मुझे तो यकीन नहीं किया हाँ। था तो खाना जरा टिका के खाते हाँ। और फिर जल्दी सो जाते। नहीं तो वो तो जब शुरू हुआ तो साथ ही मुझे लगा बस इख्तिताम साथ ही हो गया। मैं तो कितनी देर तक जो है ये देखती रही कि क्या ये सही आ रहा है, मैंने अपने फोन को इतनी दफा। इधर देखती हो या उधर टीवी पे देखती? नहीं नहीं मैं एक्चुअली पीटीवी स्पोर्ट्स नहीं देखती। आप, मैं पीटीवी स्पोर्ट्स भी देखती हूँ लेकिन जब मैं घर पे नहीं होती तो फिर मैंने अपडेट तो रहना है, और बिकॉज आई एम ए मदर तो मेरी कुछ मॉमी ड्यूटीज भी होती है, जारून को फुटबॉल के लिए लेके जाना है, जारून को जो है स्टोरी टेलिंग के लिए भी लेके जाना है, तो मैं सारा दिन ऑन गो होती हूँ। लेकिन मैं जब कल देख, आप यकीन करें मैं बार बार फोन को ऐसे स्क्रॉल कर रही हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। क्या होगा पता लगा मैच खत्म हो चुका है। नहीं नहीं मैं ये देख रही, जब वो 55 पर आ रहा था कि आउट तो मैं ऐसी थी, मैंने कहा नहीं 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 ये मेरा फोन खराब। बहुत से लोगों के लिए सरप्राइज था कि अभी तो हम बैठे हैं टीवी के सामने मैच देखने के लिए कि भाई सेकंड इनिंग में श्रीलंका क्या करता है, और अभी हमने जरा पॉपकॉर्न सजाए हैं और पता लगा मैच खत्म हो गया और अगले 2 घंटे तुसी फ्री हो, जो मर्जी करो। एनीवे जनाब यही क्रिकेट है और यही इसका हुस्न है कि कभी तो बिल्कुल कांटेदार मैच होता और नेल बाइटिंग फिनिश है ना जी, और आखिरी ओवर तक हम जाते हैं और उसके बाद भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरी बॉल पे कौन क्या करेगा। साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का मैच मुझे फिर याद आया था, और कहां ऐसा वन साइडेड मैच होता है जो कल इंडिया और श्रीलंका का हुआ। एनीवे वर्ल्ड कप अपने आबोताब से चमक रहा है और कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे सैयद मोहम्मद अवैस जो कि हमारे क्रिकेट एनालिस्ट हैं, और उनसे हम पूछेंगे कि भाई इस वक्त पॉइंट्स की सिचुएशन क्या है, पाकिस्तान का सीन क्या है, हम पहुंच रहे हैं सेमीज में या नहीं, और उसके लिए किसने किसको हराना है और किसने क्या मतलब कितने रन रेट और क्या ये सारी कहानी होगी आज हमारे क्रिकेट के सेगमेंट में अवैस के साथ। जी बिल्कुल, और प्यारे बच्चों, और जब मैं कहती हूँ ना प्यारे बच्चों तो मुझे लगता है आप सबको समझ आ जाती है कि आज क्या होने वाले। जी प्यारे बच्चों, आज होगी हमारे प्यारे से तौसीक अंकल की मिलियन डॉलर एडवाइस, और उसके अलावा आ रहे हैं कीरी और लू आज राइजिंग पाकिस्तान के सेट पे, एक है मेरा फेवरेट और एक है तौसीक साहब। सेट पे आ रहे हैं मतलब हमारे सेट पे राइजिंग पाकिस्तान में जब आएंगे तो हमारे सेट पर ही तो घूम रहे होंगे ना, 2 स्क्रीन के ऊपर लोगों के घरों के अंदर। कीरी और लू हमें ज्वाइन करेंगे आज, और मतलब हम देखेंगे कीरी और लू। उसके अलावा क्या है जी आज राइजिंग पाकिस्तान? उसके अलावा जनाब आज राबेल आ रही हैं और राबेल आपके लिए लेकर आएंगी 4 मजेदार अच्छी खबरें, यानी कि गुड न्यूज का सेगमेंट है, और इस सेगमेंट के हवाले से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपके पास भी कोई अच्छी खबर है अपने गोठ गांव के हवाले से, अपनी कम्युनिटी के हवाले से, अपने शहर के हवाले से, जहाँ आप समझते हैं कि आपके किसी रिश्तेदार ने, दोस्त ने, गली मोहल्ले में रहने वाले ने, कॉलीग ने, आपके किसी उस्ताद ने, आपके किसी शागिर्द ने कोई अच्छा सा काम किया हो, अपनी छोटी सी दुनिया में कुछ बड़ा सा काम किया हो, तो आप भी हमें वो कहानी भिजवा सकते हैं, हम राबेल और उनकी टीम को वो फॉरवर्ड करेंगे, और लेट्स सी हो सकता है आने वाले वक्त में से मुराद है आने वाले हफ्तों में हमारे राइजिंग पाकिस्तान के गुड न्यूज सेगमेंट में राबेल आपकी कहानी को भी शामिल कर लें, लेकिन कहानी ऑथेंटिक होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए, और साथ 2-3 तस्वीर भी होनी चाहिए। आपकी गुड न्यूज भी हमारे लिए गुड न्यूज है जी। इसके अलावा आज के राइजिंग पाकिस्तान के मेन सेगमेंट में हम फीचर करने वाले हैं मोहम्मद जमाल मोहसिन को। मोहम्मद जमाल मोहसिन जो है कूफिक स्टाइल कैलीग्राफर हैं, मुल्तान से इनका ताल्लुक है, और ये बहुत सारी सोलो एग्जीबिशंस तो कर चुके हैं लेकिन वर्चुअल एग्जीबिशंस भी इन्होंने बहुत ज़्यादा किए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो यानी कि काफ़ी हद तक जो है ये हमारा जो नाम है वो पाकिस्तान का रोशन कर चुके हैं। आज हम आपकी इनसे मुलाकात करवाने वाले हैं। जी हाँ बिल्कुल, एक बहुत बड़ा नाम है जमाल मोहसिन का बैन अवी सतह पर कैलीग्राफी के हवाले से, और इनको भी कहते हैं कि नस्ल दर नस्ल विरसे में ये फ़न मिला है खत्ताती का, और आज इनका कुछ काम भी हम आपको दिखाएंगे, इनसे मुलाकात भी जैसे कि फातिमा ने आपको बताया होगी। तो जनाब ये है आज का राइजिंग पाकिस्तान, एंड ऑफकोर्स आपके सोशल मीडिया मैसेजेस और आपके तस्वीर और आपके पैगाम से प्रोग्राम को हम तड़का लगाएंगे। वो कहते हैं गार्निशिंग हलीम, तो तैयार हलीम के बाद जो ऊपर वो प्याज और अदरक और सब्ज मिर्च, खूबसूरती जो होती है ना डिश की खूबसूरती वो आप लोगों के सेगमेंट से होती है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो चलेंगे जनाब एक छोटे से ब्रेक की जाने पर, ब्रेक के बाद
केरी एंड लू से आपको मिलवाएंगे। एंड जी प्यारे बच्चों, आज आपसे बात करनी है कुछ क्रिकेट में हार जीत के हवाले से। अगर दो मिनट के लिए सोचिए, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की टीम कल 55 पे आउट हो जाती तो आप सोचिए कि इस वक्त हमारा सोशल मीडिया क्या कर रहा होता। तो बच्चों, आपको मैंने कहना था कि ये खेल है, इसमें कोई भी टीम कभी भी किसी भी वक्त किसी भी तरह से कलैप्स कर सकती है। हमने ये देखना है कि हमने इसको जिंदगी मौत का मसला बनाना है या इसको खेल के तौर पर लेकर चलना है। दो मिनट के लिए सोचिए, अगर पाकिस्तान के साथ ये हुआ होता तो इस वक्त हमने जनाब बाबर आजम से लेके तो मतलब आफरीदी और रिजवान किस किस के साथ हमने क्या क्या जराइम की लिस्ट लगा के ना सोशल मीडिया पे फेंक देनी थी। ये खेल है प्यारे बच्चों, ये वर्ल्ड कप है क्रिकेट का, बिल्कुल सबसे प्रेस्टीजियस क्रिकेट का टूर्नामेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन लोगों को इंसान ना समझें, वो सब हमारी तरह के इंसान हैं। आपको खेल के मैदान में भेज दिया जाए तो यहां बैठ के जितने बड़े बड़े एनालिस्ट बैठे होते ना, ये हामिद हशमत और सैयद मोहम्मद अवैस और पीटीवी स्पोर्ट्स और दूसरे प्राइवेट चैनल्स के जो क्रिकेट के एनालिस्ट हैं, सारे बैठ के जब मैदान में कूदना पड़ता है वो एक अलग रियलिटी होती है। इसको खेल के तौर पर लीजिए और एंजॉय कीजिए। सोचिए इस वक्त श्रीलंका में क्या हो रहा होगा। तो आज का बिलियन डॉलर एडवाइस आज की यही है प्यारे बच्चों, कि खेल को खेल के तौर पर लेना है। हम बहुत सी टीमों से बेहतर भी हो सकते हैं, बहुत सी टीमों से कमतर भी हो सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है मेरे दोस्तों जैसे जिंदगी में होता है कि अभी आप क्लास में बहुत अच्छा एक्सेल कर रहे होते हैं, कभी आप 36 की क्लास में 36 पे आ रहे होते हैं। इट्स ऑल राइट, इट्स परफेक्टली फाइन। इसको रिलैक्स करना है, अपनी रातों की नींदें हराम नहीं करनी, रात को आराम से सोना है। ऑल राइट, तो ये थी जनाब हमारी मिलियन डॉलर एडवाइस।